वेलकम बैक एवरीबडी. हम कहीं नहीं गए, हम अभी तक लाहौर के गवर्नर हाउस में ही बैठे हैं विद द ग्रेट गवर्नर एंड हिज ब्यूटीफुल वाइफ. आइए, गुफ्तगू जिधर टूटी थी उधर से ही समेटने की कोशिश करते हैं. मुझे ये बताइए आमना कि वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अ ग्रेट गवर्नर साहब राइट नाउ, ये किस तरह आपको इंसाफ करते दिखाई देते हैं घर में और कारोबार में? इज अ वेरी वेरी बिजी मैन. सच सच बताइए. मगर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और बहुत आई थिंक बहुत फेयर माइंडेड हैं, और हर डीलिंग में हर किस्म की, चाहे बच्चों के साथ या इफ इट्स मनी मैटर्स और वट एवर, टाइम बहुत देती हैं. टाइम बहुत दिया उन्होंने हमेशा घर को भी और बच्चों को भी. व्हिच आई थिंक इज अमेजिंग बिकॉज आई मीन बिजी बहुत ही इज रियली बिजी. मगर दैट बीइंग सेड, आई आल्सो नो गवर्नर साहब के आप You're very close to your children. आपका जो एक बॉन्ड है बच्चों के साथ, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सबसे छोटी वाली जो आपकी बेटी है शेरबानो, वो आपकी लाडली या वीकनेस भी है. ये आपने कहाँ से होमवर्क किया? बस देख लीजिए, आई मीन आई गॉट माई सोर्सेज, आई गॉट माई सोर्सेज. तो आई नो वो आपकी लाडली भी, आई नो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. हाउ डू यू मैनेज? वेल, नो नीड टू बी मॉडेस्ट, मुझे सच सच बताइए. आई मीन देयर इज नो, इसमें कोई मैजिक फार्मूला तो नहीं है. मैं जिस चीज़ को टाइम देता हूँ बस फिर मैं टाइम उस वक्त देता हूँ. और मैं काफ़ी, वैसे मैं समझता हूँ, दिन कुछ प्लानिंग से गुजारता हूँ. अच्छा, मैं एक बात करती हूँ इधर कि हमारे घर का एक असूल है कि सुबह सारे बच्चों को अंदर आना होता है. लाइक हमारा टीवी लाउंज है बड़ा सा और सब इकट्ठे होते हैं वहाँ 8 बजे सुबह. 8 बजे के बाद कोई आए तो वो फिर Are you serious? मगर हमारे घर में सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए 8 बजे इकट्ठे होते हैं तैयार, ताकि सलमान के साथ वो उनको टाइम. No, I think that's amazing because if nothing else, ये एक जो understanding और एक sense of family unity जो होती है, जो आजकल के दौर के अंदर specially we see a lot of people overlooking that. अच्छा, और वहाँ politics भी बातें होती हैं, political किस्म की, business की होती हैं, like बच्चे internships कर रहे हैं या college की बातें होती है. Gossip भी होता है. Gossip होता है. अच्छा, फिर हंसी मजाक एक बच्चे पे सारे लग जाते हैं. शरियार को बहुत tease किया जाता है उस पर. So it's a very enjoyable time of the day. In fact, हमारे घर में the nicest time of the day is 8 day. माशाल्लाह, दैट्स ब्रिलियंट. और मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो एक माँ का किरदार हुआ ना, द मदर मेक शो दिस हैपेंस. एक वालिद की हैसियत से द फादर मेक शो. द फादर मेक शो. ओके, मैं सुबह उठता हूँ तो मैं 8 बजे मैं अखबार पढ़ता हूँ और साथ बैठता हूँ, तो उस वक्त आई वांट द चिल्ड्रन विद मी. एंड एनीवे आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. मैं सुबह हमेशा जल्दी उठता हूँ और सारी मेरी जो मेन एनर्जी है इट्स इन द मॉर्निंग. और सलमान, जो आप में एक पुश है, जिस तरह अभी आपने जिक्र भी किया, द वे यू स्टार्टेड ऑफ इन लाइफ शुरू में, एक जो पुश है, जो जिंदगी से एक रेजिलियंस सीखी है, वो आप अपने बच्चों में देखते हैं? बिकॉज वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल, इट्स वेरी हार्ड फॉर चिल्ड्रन हु आर बॉर्न इन द लैप ऑफ लग्जरी टू कीप देम ग्राउंडेड. हाउ डू यू डू दैट? उनको जमीन पर ग्राउंडेड किस तरह रखते हैं, और वक्त की, पैसे की, हार्ड वर्क की अहमियत आप उन्हें किस तरह सिखाते हैं? बिकॉज देव हैड इट ईजी, माशाल्लाह. मैं बोलता रहता हूँ. पता नहीं, होपिंग कि समथिंग विल बी हैमर्ड इन, समथिंग विल बी हैमर्ड इन. लेकिन बात यह है कि ये बात सही है कि अगर एक आराम की ज़िंदगी हो बच्चे की, तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो अंडरस्टैंड करे कि ये चीज़ें आसानी से नहीं आती. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बार बार, लेकिन वो मुझे तंग आके कहते हैं अपने सारे, अपने बचपन की और अपने माजी की हमें दर्द भरी कहानियाँ ना सुनाएं. अब तो माशाल्लाह एक बड़े एजाज की बात है कि आप गवर्नर की बीवी हैं, बट इससे पहले आप एक बहुत मसरूफ आदमी की बीवी थी. आई वांट टू नो, हाउ डू यू कोप? आई जस्ट कोप, आई सॉर्ट ऑफ मल्टीटास्कर, आई एम अ ग्रेट मल्टीटास्कर. नहीं, मगर एक्सपोजर इतना है, उसके अंदर देयर इज अ रिस्क भी है, उसके अंदर यू नो यू मिस योर पार्टनर एट द एंड ऑफ द डे टू. आई ट्रैवल अ लॉट, नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन कांट डू दिस. आई ट्रैवल अ लॉट विद हिम, आई गो अ लॉट, एंड आई गॉट अ लिटिल बिट इन्वॉल्व विद हिज वर्क, हिज बिजनेस, एंड आई एम ऑल्सो वेरी बिजी विद माई ओन किड्स एंड विद सलमान्स चिल्ड्रन एंड व्हाट नॉट. सो आई थिंक वी जस्ट लर्न टू बैलेंस इट.
मेरी बात सुनिए, अब आप देखिए, आप अपने कारोबार के टॉप पे हैं माशाल्लाह, आप सूबे के टॉप पे हैं माशाल्लाह. हु इज़ योर स्ट्रेंथ, वेयर डू यू गेट योर स्ट्रेंथ फ्रॉम, इंस्पिरेशन फ्रॉम, एंड हु इज़ दैट वन रॉक? आई डोंट हैव एनी वन रॉक. आई वुड से यू नो अ सेफ आंसर वुड बी द वाइफ, बिकॉज़ शी इज़ सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू राइट नाउ. नो, आई डोंट हैव अ रॉक, बट ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन. ये तो हो गया. आई फील दैट मे बी आई बीन इट्स डेस्टिनी, एंड ज़िंदगी में और लोग भी बड़ी मेहनत करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, बट sometimes I'm surprised at my, at you know, where I've reached in life. At a young age, you've had to fend for yourself. He's always had to fend for himself. He was 6 years old when his father died, so he's pretty self-sufficient like that. और अब एक गवर्नर की हैसियत से आप यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर भी हैं, आप कौन से ऐसे इकदाम ले रहे हैं जिधर आप तालीम का मेयार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? यू नो दिस सो कॉल्ड ब्रेन ड्रेन, मैं भी बाहर जाके पढ़ी, हमारी जनरेशन पढ़ती है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं. इस ब्रेन ड्रेन को ख़त्म करने के लिए और हमारी अपनी तंजीमों के, अपनी इंस्टीट्यूशंस के मेयार को बढ़ाने के लिए क्या आपने कुछ सोचा है? देखें, ये तो सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ा सरमाया तो किसी कौम का है नहीं, पढ़े लिखे लोग ही सरमाया ना. तो मैंने सबसे पहले तो सारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए, सारे मैन के प्रोग्राम देख रहा हूँ. मैंने एक तो चीज़ जो फौरी तौर पे मैंने शुरू किया है कि आई वांट टू रिवाइव पंजाबी कल्चर इन पंजाब. अच्छा, कैंपसेस वगैरह पे एवरीवेयर आई रिटन टू द यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर्स, वी पुट टुगेदर अ कमिटी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉन्चिंग इंशाल्लाह फ्रॉम द 1st of September थ्रू आउट पंजाब. एवरी यूनिवर्सिटी विल हैव अ पंजाबी कल्चरल प्रोग्राम्स, मुशायराज, म्यूज़िक, क्योंकि जो कौम अपनी सखावत से दूर हो जाए तो वो वैसे ही बर्बाद हो जाती है. बिल्कुल. और अफसोस की बात है कि पंजाब में पंजाब की जो कल्चर है वो हम काफ़ी दूर छोड़ चुके हैं, और जो हमारी लीटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीटेस्ट कॉलेजेस हैं, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है. जी. तो दैट समथिंग आई वांट टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. आई फील दैट इज सम बिग कंट्रीब्यूशन. एब्सोल्युटली. एज फार एज द यूनिवर्सिटीज आर कंसर्न, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वॉट दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन, उनके कौन से कोर्सेज शुड बी इन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न requirements, whether it's media, software, a lot of things which are modern sciences as opposed to the previous ones. And the brain drain, I don't mind people going outside to study. The drain comes only when they are at their most productive time. That's when they leave the country. When there is a brain. Yeah, when they have a brain. तो जो इस ब्रेन की आप परवरिश करते रहें, अगर वो ब्रेन चली जाए तो फिर तो बहुत नुकसान है. मगर ये बहुत दुख की एक बात होती है. देखिए, आप अपने सारे बुनियादी साल आप अपने इतना एफर्ट डालो, इतना सिखाओ, इतना इन्वेस्ट करो कौम की हैसियत से, वालिदैन की हैसियत से, एट द एंड ऑफ द डे बच्चे जाते तो ज़रूर हैं. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, माइंड यू. आई मीन, यू नो, टू ग्रीनर पास्चर्स, ब्रॉडर होराइजन्स, ट्राइंग टू लुक फॉर देम, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग. मगर उनमें से कोई 10-15% भी आ जाए वापस तो बहुत बड़ी बात है. नहीं, 10-15 से ज़्यादा ही आते हैं. Ever the optimist, you think? नहीं, आते ही हैं, पर उनकी मजबूरियाँ होती हैं और जो कुछ कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं. Absolutely, नहीं, that's for sure. और जो बाहर होते हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ देते ही हैं पाकिस्तान को. मगर अगर आपको नहीं लगता अगर हमारे तालीम का मेयार इधर ही बड़ा हो जाए तो बाहर जाने की किसी को ज़रूरत ही ना पेश आए? एक ज़माने में तो बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे. वो कौन सा ज़माना था? वो एक ज़माना था लेकिन लोग मलेशिया से, बाकी ये एशिया से लोग आते थे. मुझे याद है वेटरनरी कॉलेज पढ़ने के लिए, डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा मेयार था. यू नो, बिकॉज हम लोग हायर एजुकेशन कमीशन को भी कंसिस्टेंटली देखते हैं, अपना पूरा बजट हमेशा लगाते हुए यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल्स के ऊपर. हमारी सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, जो बुनियाद और रूट्स होती हैं, वो आई पर्सनली फील, मे बी आई एम रॉन्ग, कि वो हमेशा ओवरलुक हो जाती है. पैसा लग रहा है, पैसा इधर है, मगर हम फिर भी उस तरह का एक फीडबैक या उस तरह का एक रिजल्ट नहीं देख पा रहे. तो अब तो आप माशाल्लाह चांसलर हैं सारी यूनिवर्सिटीज के. यू विल प्रोवाइड इंशाल्लाह. आई सेड आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग. ओह, यू एग्री. आई थॉट यू सेड यू विल गिव. आई विल गिव व्हाटएवर आई कैन गिव, बट आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग के यू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. जी. बट द थिंग इज दैट व्हेयरएवर यू स्टार्ट नाउ इज गुड इनफ. कहीं भी आप अगर किसी को इंटेलेक्चुअल इनपुट या कहीं भी आप दे सकते हैं वो भी अच्छा है, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि हम जो कहते हैं ना, जो वैल्यू सिस्टम है ऑफ एजुकेशन, we are always at the bottom of the table. And you see the results, unfortunately, in the, you know, the social impact of this failure in education. So that's something I want to contribute to.
एब्सोल्युटली एंड यू नो इनने तो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी बात की, समबडी हु इज इन अ पोजीशन टू होपफुली इंशाल्लाह मेक अ डिफरेंस. आई अंडरस्टैंड के यू आर अ प्रोफेशनल नर्सरी टीचर एज वेल. अब वालिदैन के रवैये में आपने ऐसा क्या नोटिस किया था व्हेन यू वर टीचिंग एंड स्टफ? मतलब कि फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं कि फ़लाँ नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा. डू यू फील नेसेसरली कि हमारी सोशली हमारे वालिदैन उनकी मेंटालिटी एजुकेशन के ऊपर जो एक एम्फेसिस डाला जाता है, डू यू थिंक दैट्स इन प्लेस राइट नाउ? इट्स नॉट, इट इज इन प्लेस नाउ बट इट वाज नॉट इन प्लेस व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड वर्किंग. अच्छा. आई रिमेंबर फीलिंग दैट अ लॉट ऑफ स्पेशली विद गर्ल्स द पेरेंट्स हैड अ मच मोर कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन. अब वो काफ़ी बदल चुका है, अब ज़्यादा इंटरेस्ट है. अब आप देखिए कितने स्कूल्स हैं और हर तरफ ये बीकन हाउस एंड यू नो सिटी स्कूल एंड सो मेनी गुड प्राइवेट स्कूल्स हैव कम अप. द गवर्नमेंट स्कूल्स हैव बीन पुल्ड अप बाय द प्राइवेट सेक्टर इन फैक्ट. एब्सोल्युटली. एंड दैट हैज ऑब्वियसली चेंज्ड एजुकेशन नाउ. देयर इज मच मोर एम्फेसिस. पीपल वांट देयर चिल्ड्रन टू बी एजुकेटेड. पीपल वांट टू कम फ्रॉम फैसलाबाद एंड फ्रॉम सियालकोट टू कम एंड लिव इन लाहौर टू पुट देयर चिल्ड्रन इन अ स्कूल लाइक लाहौर ग्रामर एंड व्हाटएवर. सो बहुत बेहतर. इट बहुत बदल चुका है. एब्सोल्युटली. एंड वक्त हुआ चला एक ब्रेक का. वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, लव, एजुकेशन एंड पाकिस्तान विद द गवर्नर एंड हिज वाइफ. स्टे विद अस.